दिस इज अ टाइम जब आपके बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं तो रिवाइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एवरीबडीज यही ओपिनियन देते हैं। तो आप रिवीजन के लिए आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट इन सब में अगर आप परचेज करना चाहते हैं एक बैच जो बेसिकली डिज़ाइन ही किया गया है रिवीजन के पर्पज से, तो यस वी आर टॉकिंग अबाउट द नीट अल्टीमेट रिवीजन सीरीज। और एक क्रैश कोर्स होगा जहाँ पे आप चीज़ें कम टाइम में रिवाइज कराया जाएगा आपको चीज़ों को। तो आप बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो सोच सकते हैं कि माइट भी यहाँ पे कुछ ऐसे अनएक्सपीरियंस टीचर प्रोवाइड किए गए होंगे या फिर कुछ ऐसे टीचर हों जिनमें जो नए हों, तो ऐसा नहीं है। ये सारे जो फैकल्टी यहाँ पे इस पर्टिकुलर बैच में प्रोवाइड किए गए हैं वो वेल एक्सपीरियंस थे। हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि कौन से फैकल्टी हैं, उनको ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, ताकि ये सब्जेक्ट यू गेट ओवरव्यू आइडिया कि किस लेवल का वहाँ पे जो प्रिपरेशन होने वाला है वो होगा। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो ये बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इसमें जल्दी से इनरोल कर लो क्योंकि बैकलॉग मत कर दे। सो कुछ स्पेशल फीचर जो इस बैच के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है कि इसमें आपको कंप्लीट नीट सिलेबस को कवर किया जाएगा, इस जिसमें कि आप फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बोटनी जूलॉजी हो गया जो कि आपके सब्जेक्ट हैं, और शेड्यूल क्लासेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और हर एक क्लास का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 1.5 घंटे का होने वाला है। तो 1.5 घंटे में दे विल ट्राई कि पूरे कंसेप्ट को समराइज किया जा सके अच्छे तरीके से, और यही कारण है कि इसमें वेल एक्सपीरियंस टीचर को होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो लेक्चर है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, और इसकी अगर नोट्स आपको चाहिए होगा तो उस पर्टिकुलर बैच में ही आपको वहाँ पे शो किया जाएगा। डीपी भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके सॉल्यूशन भी, और वो सब भी क्विज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। आपके डाउट को सोल्व करने के लिए भी डेडिकेटेड फैकल्टी प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे, और इसके साथ ही जो शेड्यूल टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक आपको पूरा सॉलिड तैयारी कराने वाला है, यानी टेस्ट भी हो रहा है, डीपीपी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, और जो आपका कंसेप्ट है कंप्लीट कंसेप्ट को समराइज भी किया जा रहा है वो भी कम टाइम में। नाउ अब बात कर लेते हैं कि इनके फैकल्टी, इनमें जो फैकल्टी होने वाले हैं ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना होने वाला है। तो ऑर्गेनिक की बात करें तो योगेश जैन सर है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। इनऑर्गेनिक के लिए शिवम मिश्रा सर है, इनको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। और जूलॉजी की बात करें तो डॉक्टर रूपाली मैम है, और इनको 8 ईयर का एक्सपीरियंस है। सुधांशु कुमार सर होने वाले हैं आपके फिजिकल के, और इनको 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके साथ अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 7 ईयर का एक्सपीरियंस है सिद्धार्थ शर्मा सर को, और बोटनी के लिए हर्षित ठाकुरिया सर होने वाले हैं, और इनको 12 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो हालांकि इसका जो इस बैच था इसका प्राइसिंग था 3,000, बट अभी 33% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये बैच आपको मात्र 1,999 में पढ़ने वाला है। सो इट बी अ गुड चांस अगर आप इंटरेस्टेड हो इस बैच में रिवाइज करना चाहते हो सॉलिड तरीके से, अभी भी आप एम कर रहे हो नीट 2024 को। तो हालांकि इसके साथ एक और फीचर है जो नीट प्लस करके है, और उसका अगर आप प्राइसिंग है 6,000, बट राइट नाउ अभी 3,499 में वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन द नेक्स्ट एपिसोड हम बात करेंगे कि नीट और नीट प्लस में इन दोनों बैचेज में क्या डिफरेंसेज होते हैं। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल टॉक अबाउट दैट। सो थैंक्स एवरीबॉडी, जय हिंद।